हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल एम बी टेक शो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले Xiaomi की तरफ से आने वाले तीन काफी कमाल के डिवाइस के बारे में। दोस्तों Xiaomi की तरफ से Redmi Note 7 को चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और Redmi Note 7 Pro को भी फरवरी मंथ में लॉन्च किया जाएगा चाइना मार्केट में। और Xiaomi की तरफ से एक और डिवाइस काफी जल्द आपको देखने मिल रहा है Redmi Go के नाम से। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे इन तीनों डिवाइस के बारे में सारा कुछ कि ये डिवाइस इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो सकते हैं, क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या लुक होगा, क्या डिजाइन होगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल में नया आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बिना दबाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 7 से। तो यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 7 को चाइना में लॉन्च कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से। तो इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करें तो बैक में आपको देखने मिल जाता है ग्लास का बिल्ड जिसमें आपको काफी कमाल के ग्रेडियंस कलर देखने मिलता है और फ्रंट में देखने मिल जाता है आपको वाटर नोट डिस्प्ले डिजाइन वाला डिस्प्ले। और डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है विद 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों 8.1 ओरियो देखने मिलता है इस डिवाइस में MIUI 10 के साथ में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर देखने मिलता है Redmi Note 7 में जो काफी पावरफुल प्रोसेसर है, पुराना तो है मगर दोस्तों परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है इस प्रोसेसर की। वहीं बात करें दोस्तों कैमराज की तो इस डिवाइस में बैक में आपको डुअल कैमरा देखने मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल को आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल को आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। जो 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिलता है वो सैमसंग का GM1 सेंसर के साथ में आता है। 4000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है USB टाइप सी के साथ में, क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों Redmi Note 7 Pro के पास में। तो इस डिवाइस में आपको देखने मिलती है 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों सुपर एमोलेड पैनल इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा जो काफी बेहतर होगा Redmi Note 7 के IPS पैनल से। और लुक एंड डिजाइन की बात करें Redmi Note 7 Pro की तो डेफिनेटली ये Redmi Note 7 की तरह ही लुक एंड डिजाइन में आने वाला है। मैं बात करूँ दोस्तों एंड्रॉइड की तो इस डिवाइस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलेगा एंड्रॉइड पाई जिसमें कंपनी खुद का कस्टम UI MIUI 10 देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसेसर के तौर पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर देखने मिलेगा जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और दोस्तों 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोसेसर है। तो काफी क्लियर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी Redmi Note 7 Pro की Redmi Note 7 के कंपेयर में। वहीं बात करें दोस्तों कैमरास की तो इस डिवाइस में भी आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने मिलेगा 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ में और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो Redmi Note 7 Pro का 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो सोनी का IMX586 वाला होगा जो दोस्तों Redmi Note 7 के 48 मेगापिक्सल कैमरे से काफी बेहतर होने वाला है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिली USB टाइप सी के साथ में और इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और सिक्योरिटी के तौर पे फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा आपको Redmi Note 7 Pro में। और दोस्तों इसकी कलर की बात करें तो इस डिवाइस में आपको ग्रेडियंस कलर देखने मिलेंगे जो होंगे ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर के। और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों Redmi Go Android Go वर्जन की। तो दोस्तों Redmi की तरफ से Redmi Go नाम का एक डिवाइस देखने मिलेगा जिसमें आपको Android का लाइट वर्जन देखने के मिलेगा जिसमें आपको 5 इंच की डिस्प्ले देखने मिलेगी जो होगी HD प्लस की विद 89 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। और इस डिवाइस में आपको 1GB रैम और 16GB की स्टोरेज देखने मिलेगी, Android पाई देखने मिलेगा, Android का लाइट वर्जन देखने मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने मिल जाएगा Redmi Go में, 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा और दोस्तों 3000 mAh की एक छोटी सी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी जो इस फोन को एक दिन का बैटरी बैकअप काफी आराम से दे देगी क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड का। अब बात कर लें दोस्तों तीनों डिवाइस की प्राइस का। तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में आपको इंडियन मार्केट में दो वेरिएंट देखने मिलेंगे, 4GB 64GB 6GB 64GB वाले। और दोस्तों दोनों वेरिएंट का प्राइस आपको 14 से 18000 रुपए के बीच में देखने मिलेगा। Redmi Note 7 की बात करें तो इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने मिलेंगे, 3GB 32GB 4GB 64GB और 6GB 64GB वाले। और इन तीनों वेरिएंट का दोस्तों इंडियन प्राइस आपको 10 से लेकर 16000 रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें Redmi Go की तो इस डिवाइस का इंडियन प्राइस आपको लगभग 3 से 4000 रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों तीनों डिवाइस की इंडियन लॉन्च डेट की बात की जाए तो यहाँ पे तीनों डिवाइस आपको मार्च के लास्ट वीक में देखने मिलेंगे इंडियन मार्केट में। तो फिलहाल दोस्तों जो भी है तीनों डिवाइस काफ़ी कमाल के होंगे और काफ़ी कमाल के प्राइस और स्पेसिफिक लुक एंड डिजाइन के साथ में आएंगे। बाकी दोस्तों आप Xiaomi के डाई हार्ट फैन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये तीनों डिवाइस मार्च के लास्ट वीक में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो दोस्तों आप इन तीनों में से कौन से फोन को सबसे पहले बाय करना पसंद करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो तक के लिए। गुड बाय।